टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज में आए हाई मेलोड्रामा वाले ट्विस्ट से रिचार्ज। एक तरफ जहां नागिन 2 में चल रहा है सेलिब्रेशन का ट्विस्ट, जहां रॉकी और शिवांगी का दिखेगा रोमांस, तो वहीं सीरियल में अंकुश रहेजा के भाई की एंट्री से भी आएगा हाई मेलोड्रामा का ट्विस्ट। वहीं ब्रह्म राक्षस में आएगा हाई मेलोड्रामा का ट्विस्ट, जब शिवम ब्रह्म राक्षस को मारने का बनाएगा प्लान और ऋषभ की होगी सीन में एंट्री। वही सीरियल साथ निभाना साथिया में जब कोकिला का फूटेगा जग्गी पर गुस्सा, तो आएगा हाई मेलोड्रामा का ट्विस्ट। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। टेली टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ है सीरियल कसम की तनुजा यानी टीवी स्टार कृतिका सेनगर, जिन्होंने फर्स्ट ऑन जूम किया रिवील कि सीरियल कसम में चल रहे खास सीन के लिए कृतिका ने पहने खुद के कॉस्ट्यूम। अरे किसने डिजाइन किया यार, फाइनली बता दीजिए आप। मैंने किया ये डिजाइन। ओहो, मतलब खुलासा हो गया आज जूम टीवी पर। नहीं, डिजाइन मैंने नहीं किया है, आई एम नॉट अ डिजाइनर, स्टाइल मैंने किया है। देखिए एक और मुझे एक्चुअली पूरा ड्रेस में मुझे इनके जूते बहुत इंटरेस्टिंग लगे यार। जूते दिखाइए प्लीज, वेरी इंटरेस्टिंग यार। छोटे-छोटे इसमें शीशे जड़े हुए हैं, तो कई बार अगर सपोज अपने आप को देखना हो तो ऐसे आदमी देख भी सकते हैं। वाओ, मिरर वर्क, मिरर वर्क, इट्स मिरर वर्क, इज दिस अ मिरर, इट्स अ टिकली, इट्स मिरर वर्क। या तो ये मेरे वन ऑफ माय फेवरेट पर्सनल इयररिंग्स है। ओह बिल्कुल बिल्कुल, नहीं है, वन ऑफ माय फेवरेट पर्सनल इयररिंग्स, सो आई एम यूजिंग इट ऑन दैट। या मेरे साथ तो कभी नहीं हूं मैं, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैंने टॉप टू बॉटम सब कुछ। Anyway, I'm very comfortable wearing my own stuff. Well, Zoom से exclusively बात करते हुए कृतिका सेनगर ने ये भी किया खुलासा कि आखिर क्या वजह रही कि शो में उनको पहनने पड़े खुद के कपड़े, ज्वेलरी एंड फुटवेयर। अरे हुआ ये, अरे कि जो मेरे कपड़े बन के आए थे वो कुछ मुझे खास लगे नहीं, हम ये मैं नहीं बोल सकती तो फिर जो मेरे अपने पास खुद के थे वो सब मैंने पहन लिए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया जो कॉस्ट्यूम मेरा बन के आया था, तो फिर कल रात को पता चला कि अब टाइम नहीं है हमारे पास, तो समथिंग समथिंग हैपेंड, सो आई हैड टू गेट माय ओन ड्रेस, शूज, इयररिंग्स, रिंग एंड एवरीथिंग। वेल डन कृतिका, भाई इसे ही कहते हैं कमिटमेंट। चाहे कुछ भी हो जाए, शो मस्ट गो ऑन। सीरियल नागिन में हो रहा है जश्न रॉकी के मामा मामी के एनिवर्सरी का, जहां पार्टी का थीम है रेड कलर और शिवांगी और रॉकी कर रहे हैं पार्टी की सारी तैयारियां। लेकिन उसी दौरान रॉकी के गले से गिर जाता है सुरक्षा लॉकेट। जब शिवांगी उसे उठाने की कोशिश करती है तब उसके हाथ पर लग जाती है चोट। फिर क्या, रॉकी तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और शिवांगी के जख्म पर लगा रहा है प्यार से मरहम। वेल एक तरफ जहां सीरियल नागिन 2 में चल रहा है सेलिब्रेशन और सभी डांस कर रहे होते हैं, तो वहीं रॉकी वहां से चला जाता है और उसके पीछे शिवांगी भी चली जाती है और उन दोनों पर नजर रख रही है शेषा। लेकिन कहानी में आता है नया ट्विस्ट, जब इसी जश्न के दौरान अचानक से रॉकी और शिवांगी की होती है टक्कर और शिवांगी होती है रॉकी की बाहों में, जिसके बाद दोनों का दिखता है क्यूट रोमांटिक डांस। आज का बोनस धमाका, शेषा यानी अदा खान की ऑफ कैमरा मस्ती। वेल एक तरफ जहां रॉकी और शिवांगी हो रहे हैं रोमांटिक, तो वहीं दूसरी तरफ सेलिब्रेशन के मौके पर हो रही है एंकी के बड़े भाई की एंट्री। जी हां, यामिनी से बदला लेने आ गया है एंकी का बड़ा भाई, जो करेगा शिवांगी की भी मदद। जो अंकुश रहेगा था सीजन 1 में, ये उसका ट्विन ब्रदर है, इसका नाम है अखिलेश रहेगा, जो कि अब्रॉड में जाकर सेटल डाउन हो गया था। बहुत ही आड़ी टेढ़ी बुद्धि का आदमी है, हरियाणा पंजाब का बैकग्राउंड है इसका, तो अपने भाई की मौत का बदला लेने आया हुआ है, नागमनी में हिस्सा लेने आया हुआ है, तो बेसिकली ये सबसे ज़्यादा बैंड जो है अभी यामिनी की बजाने वाला है। सीरियल
सीरियल साथ निभाना साथिया में कोकिला को आ रहा है जग्गी पर गुस्सा। कोकिला आज बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं है और उसे जग्गी और उसकी माँ उर्वशी पर बहुत गुस्सा आ रहा है। दरअसल जग्गी ने गोपी से शादी कर ली है, कोकिला जिसके खिलाफ है और उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसीलिए वो सुना रही है जग्गी को खरी खोटी। कोकिला जग्गी की माँ उर्वशी पर भी भड़क रही है, पर वहाँ जग्गी आ जाता है और माहौल को शांत कर देता है। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। सीरियल ये है मोहब्बते में आ गया है हैप्पी वाला मोड, जब पीहू करीब आ गई है इस शीता के। जी हाँ, अब तक शगुन को अपनी मॉम समझने वाली पीहू कर रही है अपना बैकपैक, जिसे देखकर शीता हो गई शॉक्ड। उसे लगा पीहू फिर से शगुन के पास आ रही है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल पीहू अपना बैग पैक कर रही है ताकि वो इशी माँ के रूम में शिफ्ट हो जाए। जी हाँ, आखिरकार इशी माँ को मिल गई है अपनी प्यारी बिटिया। ये नजारा देख रमन संग पूरा भल्ला परिवार खुश हो गया। लेटर ऑन द शो, ब्रह्म राक्षस के ऋषभ का ऑन सेट स्पेशल वर्कआउट। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा की मौत के बाद सिंघानिया परिवार में पसर गया है मातम। जी हाँ, देखिए कैसे सर पर हाथ रख कर बैठे हैं नैतिक और रो रो कर बुरा हाल हो गया है भाभी माँ का। अक्षरा की याद में सुध बुध खोकर सभी बैठे हैं, किसी को कुछ खाने पीने की भी नहीं पड़ी। तभी सबको दुखी देख नायरा खुद को संभालती है और सबसे कहती है कि सब नाश्ता करें, लेकिन नायरा की बात कोई नहीं सुनता। जिसके बाद मिष्टी नायरा के कहने पर नैतिक और उनके बाबूजी को बिस्किट खिलाती है, जिसके बाद सीरियल में दिखा बेहद ही इमोशनल ड्रामा जब नायरा ने अपने हाथों से खिलाया सभी को नाश्ता। वो एक तरफ जहां सभी हैं बेहद दुखी अक्षरा को लेकर, वहीं अचानक घर में आता है एक पार्सल, वो भी अक्षरा के नाम का, जिसे खोलती है घर की नन्ही बेटी मिष्टी। और जैसे ही वो इसे खोलती है उससे निकलता है सभी के नाम का एक एक लेटर और एक एक गिफ्ट, जिसे मिष्टी सबको देती है, जिसके बाद घर में एक बार फिर सभी हो जाते हैं गमगीन। अक्षरा का लिखा हुआ लेटर पढ़कर, जिसमें अक्षरा सभी का करती है शुक्रिया उसे एक अच्छा संस्कार देने के लिए। कहानी में आता है तब ट्विस्ट जब सबने अक्षरा का लेटर तो पढ़ा, लेकिन नायरा ने उस लेटर को नहीं किया ओपन और वो गिफ्ट और लेटर लेकर नम आंखों से वहां से भाग जाती है। गुफा में अपने हाथ को काट कर रक्त को बहा रहे ये हैं शिवम, जिसने किया है प्लान ब्रह्म राक्षस से बदला लेने के लिए। और इसके लिए शिवम कर रहा है तंत्र मंत्र और पूजा, जिससे ब्रह्म राक्षस आए और वो उसे मार सके। पर ऋषभ आके शिवम को रोकने की कोशिश करता है, पर शिवम उसकी बात नहीं मानता और ऋषभ को वहाँ से जाने के लिए कहता है। ये मुझे मुक्ति दिलाना चाहता है। और उसके लिए मैं अपना बलिदान दे रहा हूँ, तो ये अपना बलिदान देने की कोशिश कर रहा है। वेल, एक तरफ जब शिवम ने किया प्लान ब्रह्म राक्षस को सामने लाने का और उसे मारने का, तभी सामने आता है ब्रह्म राक्षस और शिवम ब्रह्म राक्षस के पास जाता है, पर बीच में शिवम की माँ आ जाती है और ब्रह्म राक्षस से कहती है कि शिवम को कुछ न करे, उसे छोड़ दे। पर ब्रह्म राक्षस गुस्से में उसे धक्का मारकर गिरा देता है, फिर शिवम का गला पकड़ के उसको फेंक देता है। फिर शिवम को छुड़ाने ऋषभ आता है, तो ब्रह्म राक्षस ऋषभ को भी उठाकर फेंक देता है। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। वेल, एक तरफ जहां सीरियल ब्रह्म राक्षस में चल रहा था ऋषभ और ब्रह्म राक्षस के बीच फाइट वाला सीन, वहीं दूसरी तरफ ऋषभ भी नजर आए ऑफ कैमरा वर्कआउट मस्ती करते हुए। That's a way to have fun. वैसे टाइम नहीं मिलता ना, तो जिम के ऐप भी कर लेते हैं, जिम यही है। सीरियल कसम में आ गया है रोमांटिक ट्विस्ट वाला तड़का, जब बीजी के बर्थडे पार्टी के दौरान दिखा ऋषि और तनुजा का क्यूट रोमांस। जी हाँ, देखिए कैसे आंखों में आंखें डालकर दोनों कर रहे हैं डांस वाला रोमांस। कहीं ना कहीं वो फील करता है तनुजा के लिए बहुत ज्यादा, अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है शायद दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो कम हो चुकी हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है।
सीरियल स्वरागिनी में स्वरा को अभिमन्यु यानी लक्ष्य की बीवी मानसी ने कर लिया है कैद। उसे रस्सी से बांधकर कमरे में बंद कर दिया है। दरअसल मानसी ने बना लिया है प्लान लक्ष्य को मारने का, जिसमें मानसी का साथ देने वाला है स्वरा के बचपन का साथी निखिल। निखिल और मानसी लक्ष्य को मारने का प्लान बना रहे हैं, जिसकी भनक लग जाती है स्वरा को। इसीलिए स्वरा को मानसी और निखिल ने एक कमरे में बंद कर दिया है। मानसी ने ना मैं कुछ करूँ नहीं, इसलिए उसने मुझे बांध के स्टोर रूम में बंद कर दिया है। पर स्वरा ने बड़ी चालाकी से किसी तरह खुद को उस कमरे से रिहा कर लिया। स्वरा उस कमरे से आजाद होकर भागकर सबसे पहले अपने पति संस्कार के पास जाती है और दोनों का हो जाता है प्यार भरा मिलन। जी हाँ, लीप के बाद फाइनली स्वरा और संस्कार अब एक होते नजर आएंगे। हाँ, अब मिसअंडरस्टैंडिंग थी हम दोनों के बीच में, बहुत सारे डिफरेंसेस हो गए थे, अब कभी ना कभी तो मतलब क्लियर होने ही थे। और क्योंकि वो सब जो भी हुआ वो नादानी में और यू नो एक जल्दी जल्दी में जो डिसीशंस लेते हैं, गुस्से में जो लेते हैं, उन सब की वजह से हुआ। सो बस अब धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होते हुए नज़र आ रहा है। सीरियल एक था राजा एक थी रानी में आ गया है टॉप ऑफ ट्विस्ट का ड्रामा। राजा है रानी से बेहद नाराज और उसे आ रहा है गुस्सा। गुस्सा इतना है कि राजा ने कमरे में रखी टेबल पर लात मारकर अपना गुस्सा निकाला। दरअसल जब राजा रानी गार्डन में बैठे नाश्ता कर रहे थे, तभी रानी की पार्टी के कुछ वर्कर्स आए और उन्होंने बोला कि लोग ऐसा बोल रहे हैं कि रानी ने एक पराए मर्द के साथ जंगल में एक रात गुजारी है। अपनी बीवी के बारे में ऐसा सुनकर राजा को गुस्सा आ गया और राजा अपना गुस्सा निकाल कर अपने कमरे में चला गया, क्योंकि वो पार्टी वर्कर ने काफी गंदे तरीके से बोला था। बट आप अपनी जर्नी में जाते हो तो लोग बोलते ही रहते हैं, आप सब पे अपना टेंशन दोगे तो आप कभी अपने अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाओगे। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। जैसा कि हमने आपको बताया कि राजा रानी से नाराज है और अपनी बीवी पर लगे इल्जाम की वजह से उससे रूठे हुए हैं। अब उसको कैसे मनाया जाए ये रानी को अच्छी तरह पता है। देखिए तो आज रानी भले ही बेसुरा गाती हो, पर अपने रूठे सैया को मनाने के लिए गिटार बजा रही है और गाना गा रही है। रानी का ये प्यारा सा गाना सुनकर राजा खुश हो जाता है और अपना सारा गुस्सा थूक कर रानी को बाहों में भर लेता है। बस फिर क्या था, दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं। सीरियल थपकी प्यार की में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा, जब शंकरी ने वानी को कर लिया किडनैप। जी हाँ, देखिए कैसे वानी अपने राम प्यारी के साथ कर रही थी मस्ती, तभी पीछे से शंकरी बेहोशी की दवा लेकर आती है और वानी को कर देती है बेहोश और उसे उठाकर बोरे में डालकर लगा देती है ठिकाने पर। थपकी से बदला लेने के लिए शंकर उसकी जड़ से काटना चाहती है, इसलिए उस मुसीबत की जड़ काटना चाहती है, इसलिए थपकी को उसने किडनैप करवाया। प्रियंका और सुशांत की है वेडिंग एनिवर्सरी। इस बीच सांची आती है बाबा के पास और देती है एक स्पेशली ऑर्डर्ड रंगीन कुर्ता। तभी सांची की सासू माँ आती है और बोलती है कि तुम्हारे बाबा सा इतने कलरफुल कपड़े नहीं पहनते, लेकिन बाबा सा सांची का मन रखते हुए ले लेते हैं उसका गिफ्ट, जिसके बाद सांची हो जाती है खुश। सीरियल संकट मोचन महाबली हनुमान में हनुमान निकल पड़े हैं संजीवनी बूटी ढूंढने। लक्ष्मण को मेघनाथ का धनुष बाण लगने के बाद हनुमान को भेजा गया है संजीवनी बूटी लाने। जब हनुमान उस संजीवनी बूटी को लाने निकलते हैं, तो उन्हें रास्ते में मिलता है रावण का एक और सेवक, जिसका सर्वनाश कर हनुमान संजीवनी बूटी ढूंढने में लग जाते हैं। नहीं, मैं बस संजीवनी बूटी ढूंढने निकला हूँ। अभी एक काल देवी नाम का करेक्टर है, उनके साथ थोड़ी फाइट का सीन है मेरा, थोड़ा वो मेरे को इधर उधर भटकाएंगे संजीवनी बूटी के लिए, वो वाला ट्रैक चल रहा है। सीरियल संकट मोचन महाबली हनुमान के हनुमान यानी टीवी स्टार निर्भय वाधवा के भाई गौरव वाधवा को मिला है टीवी सीरियल ये है मोहब्बते में अच्छा ब्रेक। जी हाँ, गौरव वाधवा यानी ये है मोहब्बते के सोहेल, जिनकी हाल ही में शो में एंट्री हुई है, वो निर्भय के छोटे भाई हैं और आज निर्भय ने हमारे कैमरा पर दी अपने भाई को बधाई। लकीली उसको चांस मिला, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरे को भी इतना अच्छा बड़ा शो मिला जिसमें मैं लीड कर रहा हूँ, उसको भी एक अच्छा शो मिला, तो भगवान का बहुत शुक्र है।
Coming up on the show, क्या वहबीज विवियान के बीच है सब कुछ ठीक? 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। Well, आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन के टीवी शो की एंकरिंग वाली न्यूज के साथ। जी हाँ, विद्या बालन पहुंची एक चैट शो में और की शो की होस्टिंग। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि क्या कहा विद्या ने अपने टीवी शो हम पांच के बारे में। कैसे उनको भी नहीं पता था कि उनकी ये शुरुआत एक दिन सुपरस्टार का दर्जा दिलवाएगी। वेल, सीरियल भाभी जी में वैसे तो सौम्या, हमारा मतलब है अनीता भाभी, हमेशा अपने स्टाइल से शो में लगाती है चार चांद। लेकिन क्या आपको पता है कि शो में सौम्या के कॉस्ट्यूम्स होते हैं खुद के, जो वो खुद ही करती है डिजाइन। जी हाँ, ऐसा खुलासा किया सौम्या ने जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए, जब जूम ने सौम्या से उनके स्टाइलिश लुक के बारे में जानना चाहा। जी जी जी, मेरे सारे ड्रेसेस पर्सनली होते हैं, कुछ मैं बनवाती हूँ, कुछ मैं खरीदती हूँ, कुछ मैं खुद डिज़ाइन करती हूँ, मोस्टली मैं खुद डिज़ाइन करती हूँ। और आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल नागिन की स्टार कास्ट की ऑफ स्क्रीन मस्ती वाली न्यूज के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि करणवीर बोहरा, अदा खान, मोनी रॉय हैं सोशल मीडिया अडिक्ट, तो जैसे ही इन्हें मिलता है मौका शूटिंग से, ये लग जाते हैं अपनी फोटो शूट में, वो भी अपने मोबाइल से। बहू हमारी रजनीकांत की मैगी कांत यानी टीवी एक्ट्रेस वहबीज दुराबजी ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे, जिसमें शामिल हुए उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिसकी पिक सोशल मीडिया पर छाई रही। लेकिन खास बात ये रही, वहबीज के हबी विवियान डसेना का इस सेलिब्रेशन से दूर रहना, जिससे फिर से दोनों के बीच के प्रॉब्लम्स की चर्चा तेज हो गई है। टीवी एक्ट्रेस एंड मॉडल गौहर खान ने लिया है नया घर और इसकी खुशी में रखी उन्होंने हाउस वार्मिंग पार्टी अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली के लिए, जिसकी पिक्स खुद गौहर ने पोस्ट की अपने सोशल हैंडल पर, जहां उनके साथ उनकी सिस्टर निगार और बेस्ट फ्रेंड गौतम रोडे भी दिखाई दिए। टीवीपुर की मोस्ट लव जोड़ी यानी राम कपूर और साक्षी तंवर के फैंस के लिए आई है खुश खबर। जी हाँ, इन दोनों के फैंस को राम और साक्षी जल्द ही एक साथ दिखाई देंगे एक वेब सीरीज में, जिसका नाम बताया जा रहा है कहते हैं ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। बालिका वधू की छोटी आनंदी यानी अविका गौर ने बदल लिया है अपना अवतार और अब आप उनके न्यू लुक को देखिए, जिसे खुद अविका ने सोशल हैंडल पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्हें न्यू हेयर स्टाइल और मेकओवर में देखा जा सकता है। क्यूट एंड बबली जास्मिन भसीन यानी टशने इश्की ट्विंकल ने अपने फैंस के लिए शेयर की है ट्रेडिशनल लुक में सोशल हैंडल पर एक पिक, जिसे उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। टेली टॉप अप में अब बारी है आपको बिग बॉस के आने वाले एपिसोड की एक झलक दिखाने की। तीस मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। फॉर ऑल द गरमा गरम बॉलीवुड गॉसिप न्यूज एंड मोर, डाउनलोड द जूम ऐप नाउ।